नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार के कास्ट सर्वे का जो सभी आवश्यक रिपोर्ट बिहार विधानसभा में 7 नवंबर 2023 को जारी किया गया, उसमें यह पाया गया है कि 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जिनमें सभी कैटेगरी के लोग हैं, एसटी भी हैं, एसटी भी हैं, एमबीसी भी हैं, बीसी भी हैं, जनरल कास्ट के भी लोग हैं। ये ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है और बिहार सरकार ने इनको निश्चित तौर पर गरीबी के रूप में चिन्हित किया है। और इन परिवारों में जो प्रतिशत हैं वो शेड्यूल कास्ट का है 42.93%, शेड्यूल ट्राइब का 42.70%, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का 33.58%, बैकवर्ड क्लासेस का 33.16% और सामान्य जाति का 25.09%। और जो टोटल परिवार है, ये टोटल उसमें जो गरीबी वाला प्रतिशत, जो 6,000 मासिक से कम कमाने वाले परिवार हैं, उनका आता है 34.14%। ये जो प्रतिशत हम लोग देख रहे हैं गरीबी का, कि एससी एसटी सबसे ज़्यादा गरीब हैं, उसके बाद पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग गरीब हैं और सामान्य में गरीबी इन सभी से कम है। इन आंकड़ों को देखने से लगता है कि आंख खुल जानी चाहिए पूरे देश के लोगों की कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कितने दूरदर्शी थे, जो हमेशा ये कहते थे कि भारत में जो गरीबी है वो जाति से भी जुड़ी हुई है। और इस कास्ट सर्वे ने, जो बिहार का कास्ट सर्वे हुआ है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और बिहार की महागठबंधन सरकार ने जिसे बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया और पूरे देश के लिए आँख खुलने वाला है, ये साबित कर दिया है कि भारत देश की गरीबी जाति से भी जुड़ी हुई है। और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि दिनांक 17/11/23 को बिहार सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है कि इन सभी जो 6,000 से कम मासिक आय वाले परिवार हैं उनको 2,00,000 रुपये एक सदस्य को मिलेगा, ताकि वो रोज़गार अपना बना सके। और उद्योग विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है और उद्योग विभाग इसकी मार्गदर्शिका तैयार कर रहा है। 5 वर्षों में सभी परिवार को कवर करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन यह भी है कि अगर भारत सरकार स्पेशल स्टेटस देती है बिहार को, तो बहुत कम अवधि में इस सभी परिवार को, जो 94,33,312 परिवार हैं, उनको कवर कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है बिहार सरकार का। इसमें यह नहीं देखा गया है कि ये परिवार किस वर्ग से आते हैं। इस 94,00,000 से ऊपर जो परिवार हैं ये एससी भी हैं, एसटी भी हैं, एमबीसी भी हैं, बीसी भी हैं और सामान्य जातियों के भी परिवार हैं। जो उद्योग विभाग को जिम्मेवारी दी गई है, मार्गदर्शिका बना रहा है और ये लॉटरी के आधार पर, चूँकि प्रति वर्ष परिवार को अलग अलग कवर करना है, तो लॉटरी निकालकर परिवारों का चयन होगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है, बिहार सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि गरीब परिवार को 2,00,000 रुपये रोजगार क्रिएट करने के लिए दिए जा रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।